खाद्य तेलों की वैश्विक कीमतों में आई गिरावट का सुनिश्चित लाभ उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करने के संबंध में एक सुझाव देते हुए बाजार सूत्रों ने कहा है कि सरकार सूरजमुखी, सोयाबीन और पामोलियन जैसे खाद्य तेलों के शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति केवल उन्हीं प्रसंस्करणकर्ताओं को दे जो खाद्य तेलों के प्रसंस्करण के बाद उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कमजोर आय वर्ग के लिए उसकी आपूर्ति करे। वहीं इससे खाद्य तेलों की वैश्विक गिरावट का लाभ आम उपभोक्ताओं को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा बाकी आयात पर आयात शुल्क लगा दे, इससे खाद्य तेलों की आवश्यकताएं भी पूरी होंगी और सरसों मूंगफली उत्पादन करने वाले स्थानीय किसानों की फसल भी बाजार में खपेगी। वही सूत्रों ने कहा कि पहले 80 से 90 के दशक में ऐसी ही छूट रिफाइनरी वालों को दी गई थी और उस तेल का वितरण PDS के माध्यम से किया जाता था। इसका अनुभव ये था कि तेल तेलहन मामले में देश भर में 1992 तक लगभग आत्मनिर्भर हो चला था देश। वहीं ऐसा करने पर मौजूदा वैश्विक कीमतों के हिसाब से ग्राहकों को अधिभार सहित पामोलियन तेल 105 से 110 रुपए लीटर, सोयाबीन तेल 120 से 125 रुपए लीटर और सूरजमुखी तेल 130 से 135 रुपए लीटर मिलने की संभावना बनेगी। वही सूत्रों ने कहा है कि ऐसी रिफाइनरी कंपनियों को ही शुल्क मुक्त आयात की छूट दी जाए जो आम उपभोक्ताओं को वैश्विक छूट का लाभ सुनिश्चित करने के लिए PDS को आपूर्ति करें। इससे सरकार को सस्ता तेल आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल होगा। सूत्रों ने कहा कि नहीं तो आयात शुल्क की छूट दिए जाने का कोई अपेक्षित नतीजा निकलना मुश्किल होगा। वहीं मलेशिया एक्सचेंज में मजबूती के रुख के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सोयाबीन, पामोलियन और कच्चे पाम तेल जैसे आयातित तेलों के भाव सुधर गए हैं, जबकि सरसों, मूंगफली, तेल तिलहन और बिनोला तेल की कीमतें स्थिर रही हैं। बाजार सूत्रों ने कहा है कि शिकागो एक्सचेंज में कोई घटबढ़ नहीं थी, जबकि मलेशिया एक्सचेंज में लगभग 2.5% की मजबूती रही। मलेशिया एक्सचेंज की मजबूती की वजह से सोयाबीन तेल तिलहन, पामोलियन, कच्चे पाम तेल जैसे आयातित तेलों के भाव में सुधार दर्ज हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।